नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबीला मीडिया में आपका स्वागत है। खबर हिमाचल के कांगड़ा से आ रही है। यहां के कस्बा इंदौरा के युवाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ कमर कस ली है। नशा तस्करों के खिलाफ युवाओं ने संकल्प लिया कि वे पुलिस का हर समय साथ देने को तैयार हैं। हमारे प्रतिनिधि गगन ललगोत्रा की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने काफ़ी जोर लगाया है इनको पकड़ाने के लिए। यहाँ पे राकेश और कट्टे नाम के दो व्यक्ति काफ़ी जोर से, काफ़ी सालों से ये नशा कर रहे हैं। जब आए थे तो इनके पास दो मरले जगह नहीं थी, आज इन्होंने कोठियाँ डाली हुई हैं इसी नशे की वजह से। तो आज जहाँ पे हम आए हैं, कोई पार्टी वाली, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, हम गाँव के सभी लोग इकट्ठे होकर आए हैं। इस नशे की जड़ को हमने उखाड़ना है, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, पुलिस के पास आए हैं, तो क्या पुलिस उनको पहले आपने बताया कि करते रहे हैं इतने अरसे से काम, तो पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको क्या? नहीं, पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पहले ऐसा होता कि 3 ग्राम से कम है जो उनको जमानत मिल जाती थी। अब सरकार ने कुछ कानून ऐसे बनाए, सख्त बनाए हैं कि नशा चाहे 2 ग्राम हो चाहे 1 ग्राम का हो, उसको उसकी जमानत नहीं होगी। तो इसलिए हम प्रशासन की और कानून की सराहना करते हैं और ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए इनके लिए, और भी सख्त बनना चाहिए। गोल्ड एन जी ओ संचालक, हमने एक युवाओं ने अपने इलाके में इंदौरा तहसील में जो नशे का कारोबार है बहुत बढ़ रहा है चिट्टे का, इसको हमने ख़त्म करने के लिए आज युवा पूरे इकट्ठे हुए हैं। हमने नारकोटिक टीम के सेल के साथ, हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, कंधे के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें सभी युवा आज इकट्ठे हुए यहाँ पर, तो जहाँ पर नशे का बहुत ही कारोबार चल रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है। तो हम सेल के साथ भी काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं हम। मेरा नाम सनी कटोच है और मैं गांव नदौन से हूँ। हमारे यहाँ पे टांडा और कुरसा में कट्टा और राकेश नाम के दो व्यक्ति हैं और एक शिवा, जो कि चिट्टे का काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मेरे को जैसे आज सुबह पता चला था कि नार्को सेल पे उन्होंने गलत केस डाले हैं, कुछ गलत आरोप लगाए हैं। जो कथित सांसी हैं राकेश और कट्टा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरोप निराधार हैं। हम नार्को सेल के साथ कंधे से कंधा मिला के चल साथ हैं। इससे रिगार्डिंग जो है वो पहले भी पुलिस ने रेड किया और लोगों के खिलाफ पहले भी केसेस दिए हैं और लगातार रेड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। जिस किसी के पास भी कोई नशीला पदार्थ मिलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, और आगे इनके पास भी मिलेगा तो कानूनी कार्रवाई करेगी।